छपरा पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, भोजपुरी अंदाज में बोला विपक्ष पर जोरदार हमला। बिहार के बेलसंड पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, चिराग ने जनसभा को किया संबोधित, भाषण के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। पूर्णिया के धमदाहा में बड़ा अपराधियों का आतंक, चुनाव प्रचार के दौरान अपराधियों ने रालोसपा प्रत्याशी पर चलाई गोली, घटना में बाल बाल बचे रालोसपा उम्मीदवार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने विधानसभा इलाके में किया रोड शो, रोड शो के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा भी रही मौजूद। वहीं अभिनेत्री ने जनता से उनके पिता के हक में की वोट देने की अपील। भागलपुर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी से 6 सालों तक निष्कासित पूर्व उप महापौर ने की मीडिया से बातचीत। वहीं मीडिया के माध्यम से भागलपुर से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे के पक्ष में की जनता से वोट देने की अपील। भारतीय जनता पार्टी को मैं जीती हूं और इसकी विचारधारा के लिए मैं समर्पित हूं, इसलिए मैं आज भले ही पार्टी ने कागज पर मेरा निष्कासन किया हो, लेकिन सब लोग हमारे दल के सभी लोग हमारे दिल में है और मेरे भी दिल में सभी लोग हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। श्रीमान रोहित पांडे जी हमारे यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, मैं उनके समर्थन में आज यहाँ पर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग उनकी मदद करेंगे। भागलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ने रोड शो कर जनता से उनके हक में की वोट देने की अपील। पटना से बनारस जा रही मिनी बस रोहतास में पलटी, हादसे में एक की हुई मौत, वहीं 2 से अधिक लोग हुए घायल। बस से आ रहे थे हम लोग पटना से, वहां जा रहे थे बनारस, तो क्वेचर्स में जो पुल है ना वन लग गई, तो पुल के ऊपर से नहीं लेके नीचे से ले गया, पता नहीं पुल टूटा हुआ था क्या था, तो नीचे नदी में ही पलट गए। बस पलट जाने का मौत, कितने लोग की मौत हुई? वैसे ही आदमी घायल भी लोग हैं? नहीं घायल तो नहीं होंगे। भागलपुर के बिहपुर आशुतोष हत्याकांड के मुख्य आरोपी थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ा तूल। वहीं थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस।